आज हमारे पास हैंडसेट है सैमसंग नोट 5, जिसको FRP लॉक लगा हुआ है और इसको हम EFT डोंगल के ज़रिए खोलेंगे वाया UART केबल। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनकी UART केबल वर्क नहीं करती EFT डोंगल के साथ। तो EFT डोंगल के साथ नोट 5 का FRP लॉक रिमूव करने के लिए इसको हम पावर ऑफ करके डाउनलोड मोड में ऑन करेंगे। और उसके बाद कोई भी बॉक्स लेंगे जो आपके पास पड़ा हुआ हो, जैसे ये इन्फिनिटी बॉक्स पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसको यूज़ करूँगा। और उसके आगे आप ऑक्टोपास या Z3X वाली केबल लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखें, आपके डिवाइस मैनेजर में USB सीरियल पोर्ट आ जाएगी। EFT का मॉड्यूल ओपन करने के बाद ये पोर्ट को स्कैन करें और ये देखें यहाँ पर पोर्ट शो हो जाएगी, इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद अपने हैंडसेट का मॉडल सेलेक्ट करके रीसेट FRP कर देंगे। जब ये वेटिंग फॉर बूटलोडर डिवाइस आ जाए तो अपने हैंडसेट को वाया UART केबल बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे जो आपने लगाया हुआ है, और हैंडसेट पे वॉल्यूम डाउन और पावर की दोनों को इकट्ठे प्रेस किए रखें जब तक कि आपका हैंडसेट EFT पे डिटेक्ट ना हो जाए और इसका FRP रिमूव ना हो जाए। देखिए, हैंडसेट पावर ऑफ हुआ और ये डिटेक्ट हुआ और इसका FRP अरेज हो गया। ये देखें, सक्सेसफुली FRP रीसेट हो चुका है। अभी केबल रिमूव कर सकते हैं। SMN928DX और इसका FRP सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है वाया UART केबल। आपको न्यू USB टू UART केबल बाय करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट जो आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है उसकी UART केबल EFT के साथ यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से EFT डोंगल की UART केबल प्रॉब्लम फिक्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।